मेरा नाम दिव्यांका विक्रमादित्य है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष कारगिल विजय दिवस पर कुछ बोलना चाहती हूँ। या तो तू युद्ध में बलिदान देकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा, अथवा विजयश्री प्राप्त कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। गीता के इसी श्लोक को प्रेरणा मानकर भारत के शूरवीरों ने कारगिल युद्ध में दुश्मन को पांव पीछे खींचने के लिए मजबूर कर दिया था। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिन्हें है प्यार वतन से, वह देश के लिए अपना लहू बहाते हैं। माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर देश की आजादी बचाते हैं। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को मेरा शत-शत नमन। देकर तिरंगे की शान रखी थी, हाथों में बंदूक उठाकर भारत माँ की रक्षा की थी। चखाई थी हार का स्वाद पाकिस्तान को, उसके मुंह पे लगाम लगाई थी। कारगिल युद्ध में जीत पर भारत ने एक नई इतिहास रचाई थी। गोलियों से लड़े थे वो जवान, लहू की नदियां बहाई थी। अपने से बिछड़ कर वो हमारे लिए जीत के गीत गाए थे। उन जवानों को मेरा सत सत नमन, जिन्होंने प्राण त्याग कर शहीद होकर भी उन्होंने अपने देश का मान रखा था। बलिदानी जाबाजों का ये साहस बड़ा अनोखा था। जय हिंद, जय भारत।